तो ये जो है फातह रोम, रोम कौन? खालिद बिन वलीद। फातह फारस कौन? जो है साद इब्न अबी वक्कास। फातह शाम अबू उबैदा इब्न अल जर्राह। फातह मिस्र जो है अम्र इब्न अल-आस। अब इस तरफ जाए तो इस तरफ जो है फातह मगरिब उकबा इब्न नाफ़े। उकबा इब्न नाफ़े जो है अलबाहरी, वो जो है उकबा इब्न नाफ़े फातह तूनिस है, और तूनिस उसके बाद ये पूरा मगरिब का। ये जब कैरवा जब ये पहुँचे एक जगह पर तो उन्होंने यूँ कहा कि जो शहर था, ये सहाबा किराम की जमात के साथ पहुँचे थे और ताबईन की जमात, ज़्यादातर ताबईन के, तो जो शहर था वो जो है चूँकि नव मुस्लिम थे या ईसाई और दूसरे कौम थी, तो हज़रत उकबा इब्न नाफ़े ने यूँ कहा कि यहाँ हम ठहरने वाले नहीं हैं, यहाँ हम नहीं ठहरेंगे। सहाबा किराम ने यूँ कहा कि हज़रत इसी में ठहरें, जो है इसी में फ़ायदा है, नहीं हम जंगल में जाएंगे, इस जंगल में, तो यहाँ तो जो है जानवर है, सांप है, बिच्छू है और सब कुछ है। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं पसंद करता कि ऐसी कौम के दरमियान रहूं जिसमें जो है जिसमें हमेशा हमें ख़तरा हो कि कोई जो है कोई मुनाफिक हो, वैसे ही मुसलमान बना हुआ हो तो हमें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए इस जंगल में हम ठहरेंगे। तो कहने लगे अयुहल अमीर, अमीर जेश, यहाँ तो जो है बहुत ज़्यादा जानवर और सांप बिच्छू और दूसरे जानवर हैं, तो यूँ क्यों फिक्र करते हैं? जो है वो सहाबा किराम सात आठ सहाबी थे, तो उनको ले आए वो जंगल के बाहर और दुआ मांगी कि अय्युहस्सबा वल हशरात नहनु अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और जो है वो तुम लोग इनकी वजह से इनकी लाज रखते हुए यहाँ से निकल जाओ, वरना फमन वजदना हो बादो कतल ना हो, उसके बाद जिसको हम पाएंगे हम उसको कत्ल कर देंगे। तो इब्नुल असीर जो बहुत ही ज़्यादा मुहतात मुअर्रिख हैं, यानी इधर उधर लचर बचर की बात नहीं करते, और जो लोग कहते हैं कि जो है ज़ाइफ़ रिवायत, आजकल का तो दौर ही यही है कि हर चीज़ को ज़ाइफ़ कहते हैं, तो इब्नुल असीर यूँ कहते हैं कि वो हमने देखा कि सांप अपने बच्चों को लेकर निकल रहा है, और जो है बिच्छू निकल रहे हैं, और इसी तरह जो है शेर निकल रहा है और चीता निकल रहा है, हर एक निकल गए। और फिर हज़रत उकबा इब्न नाफ़े ने जो है उस शहर को बसाया जिसका नाम कैरवान बना, और कैरवान में सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है बाद में बनी पूरे आलम इस्लाम की, जामिया ज़ैतूनी या जामिया अज़हर से 100 साल पहले, और वहाँ बड़े बड़े उलमा पैदा हुए वो उसी मकाम पर, और बहुत से ज़माने तक वहाँ जैसे मक्का और मदीना की तरह जो है कैरवान में गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी,